ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है सॉल्यूशन चैप्टर के एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 13 और 15। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56×10³³ ऑफ इथेन इज 1 bar। इफ़ द सॉल्यूशन कंटेंस 5.00×10²² ऑफ इथेन, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसका हिंदी है कि 6.56×10³ इथेन युक्त एक संतृप्त बिलियन में इथेन का आंशिक दाब 1 bar है। यदि बिलियन में 5.00×10²² इथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। अब देखिए इसमें जो डाटा दिया है उसको पहले लिखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि घुल का द्रव्यमान दिया है 6.56×10³। उसके बाद मोलर मास ऑफ इथेन, इथेन का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा चूँकि इसका फॉर्मूला होता है C2H6, तो 12×24 और 6.30 ग्राम पर मोल। अब हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ इथेन, तो यह हो जाएगा 6.56×10³ और बटा 30 ग्राम पर मोल, यह मोलर मास है इथेन का। और यह यहाँ पर दिया है एक और वैल्यू कि प्रेशर ऑफ इथेन जो दिया है वह 1 bar है। अब हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट मान लेंगे एक्स ग्राम, अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं वाई ग्राम, चूँकि दिया ही नहीं है तो अपने मर्जी से मान लेना है और मोल्स निकालना होगा, तो मास बटा मोलर मास मान लेते हैं कि एक्स बटा वाई कट करके एम दे दिया, यह मान लेंगे अपने मर्जी से। अब हो गया एक्स इथेन, तो एक्स इथेन बराबर हो जाएगा मोल्स फ्रैक्शन ऑफ इथेन। इसका अर्थ हुआ कि मोल्स ऑफ इथेन बटा मोल्स ऑफ इथेन प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ इथेन ये आया है 6.56×10³ बटा 30, इसको लिख लेंगे। आप फिर यहाँ पर वही बात लिख लेंगे, आप प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट एम मान लेंगे, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एम मान लेंगे। और चूंकि मोल्स ऑफ इथेन बहुत कम है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के तुलना में, इसलिए एक टर्म को छोड़ा जा सकता है और इस टर्म को हम लोग छोड़ देंगे जो दिख रहा है 6.56×10³³ या इसके तुलना में, माने मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के तुलना में बहुत कम है इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार इसका वैल्यू हो जाएगा 6.56×10³ बटा 30 m। अब हम यहाँ से पी इथेन जो दिया हुआ है इससे हम लोग माने हेनरी लॉ से इसका कैलकुलेशन करेंगे, पी बराबर KH×X और X होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स। अब हम यहाँ से KH का मान निकालेंगे तो इस जगह पी इथेन बटा एक्स इथेन और दोनों का वैल्यू रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 30 ग्राम पर मोल इंटू एम बटा 6.56×10³³। अगेन फिर एक बार आपको मास ऑफ इथेन माने मोल्स ऑफ सॉरी मास ऑफ इथेन दिया हुआ है यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 5×10²² और इसका मोलर मास फिर वहीं रह जाएगा 30 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर मास सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान लेंगे फिर एम, अब निकालेंगे मोल्स ऑफ इथेन, अब मोल्स ऑफ इथेन हो जाएगा मास बटा मोलर मास, तो इसका मास है 5×10²² बटा 30 ग्राम पर मोल। अब फिर इससे हम लोग मोल फ्रैक्शन की गणना कर लेंगे और यह हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इथेन बराबर 5×10²² बटा 30 ग्राम पर मोल, और फिर यह 5×10²² बटा 30 ग्राम पर मोल आ प्लस एम, आ फिर वही बात मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से इसलिए हम इस वाले टर्म को छोड़ देंगे तो फिर इतना का इतना बच जाएगा। अब हम लोग पहले वाले नियम फिर जो सो रॉल्ट सॉरी उसको बोलते हैं हेनरी के लॉ से लिख देंगे पी इथेन बराबर KH×X इथेन
और x मूल फ्रैक्शन को दर्शाता है। इस वैल्यू को रखेंगे के एच वाले वैल्यू को और यह अभी अभी आया है x वाले वैल्यू को, दोनों को रखेंगे तो ये कट करके दे देगा 50/6.6 बार, जो कि कैलकुलेट करने पर हो जाएगा 7.621 बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 bar एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी इसमें आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की गणना करनी है। इसका हिंदी है, विलायक के समान क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का 1.004 bar वाष्प दाब है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है। देखिए जो डाटा दिया हुआ है, हम अपने से मान लेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, क्योंकि वह दे रहा है कि जो सॉल्यूट है वह 2% है, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 2 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मान लेंगे कि यह x ग्राम पर मोल है। मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए 100 ग्राम में से 2 ग्राम सॉल्यूट हो गया तो 98 ग्राम सॉल्वेंट बच जाएगा, इसलिए घोल का द्रव्यमान जो होगा 98 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान यह हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। 16 होता है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1, 2 से गुना करेंगे तो 2 16 2 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और प्रेशर जो एक्सटर्ट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वह है 1.004 bar। इसके बाद आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है, हमेशा दिमाग में रखिएगा तो भी न्यूमेरिकल बन पाएगा। जैसे प्रेशर ऑफ H2O इन प्योर स्टेट, शुद्ध अवस्था में जल का दाब कहिए, तो यह हो जाता है 1.01325 bar। याद रखें 1.01325, इतना भी याद रखने से काम चल जाएगा, 1.013 यह भी याद रखिएगा तो निकल जाएगा। अब हम जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से फॉर्मूला है P0-PS/P0 बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब PA0 है शुद्ध अवस्था में घोलक का वाष्प दाब कहिए चाहे आंशिक दाब कहिए, और PS है घोल का वाष्प दाब, चूँकि दोनों वैल्यू आपको दिया हुआ है। शुद्ध अवस्था में जल का 1.01325 bar होता है और यह दिया हुआ है घोल का 1.004, और यह वैल्यू यह P0 का है, और 2 है मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है 2 ग्राम पर मोल, और फिर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है 18 ग्राम पर मोल, और इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट है 98 ग्राम। इस सब से सबको कैलकुलेट करते हुए एक्स का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 40.239 ग्राम। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, कृपया आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।